व्हाट्सअप गाइस, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मशीन लर्निंग की थ्योरी को समझा था। हम लोगों ने देखा था मशीन लर्निंग रेपोजिटरी में क्या होता है, फीचर्स में क्या होता है, सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, साइकिट लर्न क्या होता है, वगैरह वगैरह। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कोड लिख कर दिखाऊंगा जहाँ मशीन लर्निंग को पाइथन में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, इंसिस्ट करूंगा साइकिटलर्न इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो अपने अपने कमांड प्रॉम्प्ट या फिर विंडोज़ पावरशेल में पिप इंस्टॉल एसकेलर्न लिखकर कमांड को रन कर लीजिए। हालांकि मैंने अपने इंट्रोडक्शन टू एसकेलर्न वीडियो में बताया था, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को सिंपली पिप इंस्टॉल एसकेलर्न लिखना है, और ऐसा लिखकर अगर आप एंटर मारेंगे तो आपका जो है एसकेलर्न इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देखिए, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो डेफिनेटली वो बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखिए जैसे कि बता रहा है, लेकिन आपका इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार आपका एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाए, आप लोग कर दीजिए इसको बंद और आ जाइए आप लोग अपने पाइचार्म में, या फिर आप लोग आइडल भी यूज़ कर सकते हैं, मना नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मशीन लर्निंग के नाम का, और इस प्रोजेक्ट में मैं करूँगा क्या, मशीन लर्निंग के कोड लिखूँगा। जैसे कि कह रहा है कि ऑलरेडी मैंने बना रखा है मशीन लर्निंग नाम का, और इसने उसको खोल दिया है। यहाँ पर खोलने देते हैं इसको, उसमें मैंने कुछ लिखा हुआ है। मैं काम करता हूँ, एक और यहाँ पर बनाता हूँ ट्यूटोरियल नाम से, स्पेलिंग गलत हो गई ट्यूटोरियल की, ट्यूट नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे एसकेलर्न। तो आप लोग एसकेलर्न इंपोर्ट मत कीजिए, आप लोग लिखिए फ्रॉम एसकेलर्न, क्योंकि एसकेलर्न एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लिखिए इम्पोर्ट लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। अभी देखिए दे रहा है मेरा एरर। अब मैं आप लोग को यहाँ पर स्किप नहीं करूँगा इस बात को, मैं एरर ठीक कर रहा हूँ तो आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं अपने एरर्स कैसे ठीक करता हूँ। मुझे पता है क्यों एरर आ रहा है, अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैंने अभी ये जो प्रोजेक्ट की सेटिंग है उसमें पाइथन का इंटरप्रेटर जो यूज़ किया है वो 3.6 किया है, लेकिन मैंने एसकेलर्न इंस्टॉल किया है अपने पाइथन 3.5 के लिए। तो आप लोग को, अगर आप बिगिनर स्टेज में, मल्टीपल पाइथन इंस्टॉल मत कीजिए अपने सिस्टम पर। आप लोग कोई भी एक पाइथन 3.5 सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो आप लोग उसको यूज़ कीजिए। अलग अलग पाइथन वर्जन कभी इंस्टॉल मत कीजिए अगर आप बिगिनर स्टेज में। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर सकते और आप लोग को नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर आप लोग बिगिनर हैं तो गलतियों को अवॉइड करने के लिए, एरर्स को अवॉइड करने के लिए, आप लोग सिर्फ एक वर्जन रखिए पाइथन का अपने कंप्यूटर में, मल्टीपल वर्जन मत चलाइए। मेरा किसी भी चीज़ को लेकर सबसे पहला जो स्टेप होता है, जैसे कि मशीन लर्निंग की अगर बात करूँ तो मेरा सबसे पहले, या फिर पाइथन लर्निंग की बात करूँ तो सबसे पहले आप लोग को किसी भी तरह अपने काम को करना आना चाहिए। आपको ये नहीं देखना है वो कैसे काम कर रहा है, आपको ये नहीं देखना है कि क्या चल रहा है, सबसे पहले आप उसको कर पाएँ और उसको यूज़ कर पाएँ। एक बार आप उसको यूज़ करना सीख गए, आप लोग उसके बाद जान सकते हैं। आप लोग एक बार चलाना सीख गए अगर कंप्यूटर, उसके बाद आप लोग जानिए कंप्यूटर कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, सर्किट क्या होता है, डायोड क्या होता है। लेकिन अगर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि प्लास्टिक से डायोड कैसे बनाना है, तो फिर आप लोग कंप्यूटर कब सीखेंगे, कैसे चलाते हैं। तो उसी तरह हम लोग मशीन लर्निंग में अभी यहाँ पर एसकेलर्न यूज़ करेंगे। एसकेलर्न जैसे कि मैंने बताया, उसमें ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन होती है बहुत सारे क्लासीफायर्स की। तो यहाँ पर हम लोग एक लीनियर मॉडल यूज़ करेंगे और उसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। अब लीनियर रिग्रेशन क्या करता है, लीनियर रिग्रेशन सिंपली लीनियरली इंटरपोलेट कर देता है एरर को मिनिमाइज करते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या, मैं यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा मैटप्लॉटलिब, ताकि मैं आप लोगों को काम के साथ साथ विजुअलाइज भी करा सकूँ। तो matplotlib.pyplot.splt मैं करूँगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं प्लॉट करना चाहता हूँ जो भी मैं यहाँ पर काम करूँगा। देखिए मैं क्या प्लॉट करता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर फीचर्स ले रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे पास चॉइस है एक घर लेने की, एक घर है उसमें 140 दिन पूरे साल में ढंग से पानी आता है, और बाकी दिन थोड़ा कम, मतलब कभी कभी चला जाता है पानी, कभी कभी नहीं जाता है, ऐसे होता है 140 डेज, लेकिन जो है पानी सही से आता है। तो उस पर उसका दाम क्या है, फीचर्स और लेबल्स। मेरे लेबल्स में क्या आएगा, उस घर का दाम, उस घर का जो दाम है, दाम मतलब रेंट 5,664 रुपये। अगर 140 दिन पानी सही से आ रहा है तो आपको इतने पैसे पे करने हैं, और अगर 150 दिन पानी आ रहा है तो मुझे गिवन है कि कितने रुपये पे करने हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 4,466। इसी तरह अगर मुझे मेरे घर में 150 ले लिया मैंने, 140 ले लिया, 130 भी ले लेता हूँ मैं इसको 130 करता हूँ और इसको 150 करता हूँ यहाँ पर, और 150 दिन अगर पानी आता है तो उसका दाम मैं कर देता हूँ 6,200 रुपये,
और अगर मेरा 170 दिन पानी आता है तो मैं कर देता हूँ, कितना करूँ बोलिए, बोल तो सकते नहीं हो आप, वीडियो है ना ये, तो एक काम करता हूँ मैं खुद से एज्यूम कर लेता हूँ 8900। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे पास कुछ डेटा की मैंने, अब मेरे पास मान लो कुछ नया मुझे बताता है कोई, मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहता है कि भाई देखो ऐसा है अगर 190 दिन पानी आएगा तब तुम कितने पैसे दोगे। तो सबसे मुनासिब दाम निकालना, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। हम उसको लीनियरली इंटरपोलेट कर देंगे और देखेंगे कि बेस्ट फिट क्या है। हम इस पॉइंट पॉइंट्स को, इन फीचर्स और लेबल्स को एक लीनियरली प्लॉट करेंगे इसको। सबसे पहले स्कैटर प्लॉट करेंगे इसका, उसके बाद हम उस पर एक लाइन फिट करने की कोशिश करेंगे। और जो बेस्ट फिट लाइन है वो हमारा कौन निकालेगा, मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम। कौन सा एल्गोरिदम, लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं कोड को, और जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको मैं लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसको विजुअलाइज़ करा देता हूँ प्लॉट डॉट स्कैटर यूज़ करके। और प्लॉट डॉट स्कैटर में मैं फीचर्स और लेबल्स को प्लॉट करूँगा, और फीचर्स और लेबल्स के साथ साथ मैं इसमें कलर पैरामीटर दूंगा। अगर आप लोग को नहीं पता ये सब कैसे काम कर रहा है, मैंने मैट प्लॉट लिप के ट्यूटोरियल्स बना रखे हैं डिटेल में एकदम, आप जाकर देख सकते हो। लेकिन यहाँ के लिए आप अगर इतना भी देख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये नहीं होगा क्योंकि मैंने प्लॉट डॉट शो नहीं लिखा है, तो PLT डॉट शो लिखना पड़ता है प्लॉट को देखने के लिए। अब बात करेंगे स्कैटर प्लॉट की, तो देखिए कोई यहाँ पर है पॉइंट, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है। मैं क्या चाहता हूँ, इसमें एक बेस्ट लाइन फिट करना, एक लाइन फिट करूँगा, फिर कोई भी पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगा वो उसका क्या दाम होगा उस लाइन में देख कर। तो यही करता है हमारा लीनियर रिग्रेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता है। तो इसको अभी मैं करता हूँ बंद, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, उस ग्राफ को थोड़ा खूबसूरत दिखाने के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर PLT डॉट एक्स लेबल, और एक्स लेबल दे देते हैं वैल्यूज़, या फिर वैल्यूज़ नहीं देते यार एक्स, चलिए अभी वैल्यूज़ दे देते हैं, और PLT डॉट वाई लेबल दे देते हैं प्राइस। एक्स लेबल्स को पानी कर देते हैं, घंटा पानी, घंटे ऑफ पानी, घंटे नहीं दिन ऑफ पानी, कितने दिन पानी आता है की बात हो रही थी, दिन ऑफ पानी। तो इसको मैं रन कर रहा हूँ अभी, 130 दिन पानी आता है तो इतने आप पैसे दे रहे हो, 140 दिन पानी आता है तो आप इतने पैसे दे रहे हो, 150 दिन पानी आता है तो आप इतने पैसे दे रहे हो, इसी तरह 170 दिन पानी आता है तो आप इतने पैसे दे रहे हो। अब मान लो मुझे निकालना है कि अगर 127 दिन पानी आता है तब कितने पैसे देंगे, या फिर 193 दिन पानी आता है तब कितने पैसे देंगे। तो उसके लिए मैं अपना एक क्लासिफायर ट्रेन करूँगा। ये प्योरली एक सुपरवाइज लर्निंग प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मेरा लेबल क्या है, मतलब मैं फीचर्स और लेबल्स मुझे पता है मेरे। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको लिखूँगा यहाँ पर, एक लीनियर रिग्रेशन क्लासीफायर ट्रेन करूँगा। तो मैं CLF लिखता हूँ, CLF और क्लासीफायर, और लिखता हूँ लीनियर मॉडल डॉट लीनियर रिग्रेशन, और ये मेरा लीनियर रिग्रेशन क्लासीफायर आ गया। अब मैं CLF इज इक्वल टू लिखूँगा CLF डॉट फिट, यानी इसमें फिट कर दो फीचर्स और लेबल्स को। ये सिंटेक्स का जो हमारा टेम्पलेट है ये लगभग सेम रहता है सारे क्लासीफायर के लिए, लेकिन जो सारे क्लासीफायर्स हैं उनके वर्क करने की जो मेथडोलॉजीज हैं वो अलग अलग डेफिनेटली होती हैं। तो अब क्या करेंगे, CLF इज इक्वल टू CLF डॉट फिट कर दिया मैंने, अपने मॉडल को फिट कर दिया। अब मैं रिजल्ट निकालूंगा नए वालों के लिए, तो मैं लिखूंगा रिजल्ट इज इक्वल टू CLF डॉट प्रिडिक्ट, यानी प्रिडिक्ट करो भाई कि अगर 127 दिन पानी आता है तब क्या प्राइस, और 193 दिन पानी आता है तब क्या प्राइस। तो ये मेरा कर देगा रिजल्ट को प्रिडिक्ट, लेकिन मैं इस रिजल्ट को लाइन में प्लॉट करके देखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा PLT डॉट प्लॉट, और मैं इसको सबसे पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यार कौन टाइप करेगा इतना, वैसे भी आजकल सर्दियों में टाइप करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और उसके बाद एक काम करते हैं, कलर भी लाइन का थोड़ा चेंज कर देते हैं, और इसके साथ साथ मैं करूँगा अपना रिजल्ट भी प्लॉट, यानी कि ये तो मेरा जो है एक्स है, ये मेरा वाई है, तो जो मेरा रिजल्ट आ रहा है वो मुझे बता रहा है कि प्राइस कितना होगा। तो उसके बाद मैं एक काम करता हूँ, कलर इज इक्वल टू ब्लू कर देता हूँ, और उसी के साथ साथ मैं लाइन विड्थ कर देता हूँ 3 3 का, थोड़ी मोटी हो जाती है लाइन, ठीक है। लेकिन PLT डॉट शो थोड़ा नीचे लिख देते हैं, मैंने PLT डॉट शो कहाँ लिखा था, PLT डॉट शो नीचे लिखा यार, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, अब मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखिएगा, मैंने इसको किया रन, और ये देखिए इसने लाइन जो है फिट कर दी।
तो ये मुझे बता देगा 193 दिन पानी आता है तो कितना। अगर मैं वो वैल्यूज़ देखना चाहता हूँ तो मैं रिजल्ट को प्रिंट कर लूँगा, यहाँ पर जो मेरा रिजल्ट एरे है उसमें मैंने स्टोर किया हुआ है, रिजल्ट नहीं है, प्रिंट रिजल्ट, प्रिंट रिजल्ट। अब मैं रन करूँगा इसको, मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे ग्राफ्स जो खुल गए। अब मैं इसको जब रन करूँगा तब मुझे एक तो ये बता देगा, लाइन फिट करके बता देगा, उसी के साथ साथ मुझे बता देगा कि अगर आपके घर में 127 दिन पानी आ रहा है तो आपका रेंट होगा 4,000 रुपये, लेकिन अगर 193 दिन पानी आ रहा है तो होगा 11,000 रुपये। ये बातें सेंस ना बनाए तो मुझे माफ़ करना, लेकिन यार मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि कैसे काम करता है ये। एग्जाम्पल तो अच्छे अच्छे आप बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा काम था सिर्फ आपको एक क्लासीफायर के बारे में बताना, जो कि लीनियर रिग्रेशन क्लासीफायर है, और ये बहुत अच्छी तरह काम करता है सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन हर प्रॉब्लम लीनियर ट्रेंड फॉलो नहीं करती है। तो ये एक बहुत ही बेसिक क्लासीफायर होता है, और यहाँ पर जो हमने प्रॉब्लम उठाई है वो भी फेयरली बेसिक है। हम लोग को लर्न करने होते हैं मल्टीपल लेबल्स, मल्टीपल फीचर्स, और लेबल्स जो होते हैं हमारे वो यहाँ पर जिस तरह कंटिन्यूस हैं, कभी कभी हमारे डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, और कभी कभी उन पैरामीटर्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं जो हमें नहीं पता है, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों का ये कोड चल गया होगा। अगर नहीं चला, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे काइंडली बताइए, लेकिन आपको पता चल गया होगा कि जो लाइन है ये बेस्ट फिट निकालता है, और उसके बाद हमारे जो नए इनकमिंग फीचर्स हैं यानी हमारे जो इनकमिंग पॉइंट्स हैं उनका लेबल बता देता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। यहाँ पर एक मैं और बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी scikit-learn लाइब्रेरी है वो इस तरह से लिखी गई है कि फीचर को हम एज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स लिखें। तो आप लोग को सिंपली इसके पैटर्न को समझना है और ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी है कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। scikit-learn में जिन लोगों ने ये बनाया उन लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एफिशिएंसी, इन सब चीज़ों को दिमाग में लेकर ये प्रोग्राम लिखा है। तो ये प्रोग्राम जो उन्होंने लिखा है वो उनका जो टेम्पलेट बनाया है वो उन्होंने बहुत दिमाग लगा के बनाया, उसके पीछे बहुत ही हाई लेवल मैथमेटिक्स, हाई लेवल जिसे कह सकते हैं आप लोग बातें हैं जो कि मुझे भी बहुत सारी नहीं पता हैं, और क्योंकि scikit-learn का जो कोड है उसके अंदर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक नहीं घुसा हूँ। थोड़ा बहुत मैंने देखा है कि क्या क्या उन्होंने किस तरह इम्प्लीमेंटेशन की है, लेकिन एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है और ये करके क्या फ़ायदा हो रहा है, ये सब बातें अभी भी छुपी हुई हैं। तो हमने यहाँ पर सिंपली यूज़ किया लीनियर रिग्रेशन। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे अच्छी तरह मेरे पास व्यूज़ वगैरह आएंगे तो मैं दिन के दो दो वीडियोज़ भी डालूंगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी दिन के सिर्फ एक वीडियो आ रहा है। तो जैसे जैसे व्यूज़ आएंगे, लोग देखेंगे, आप लोग इंटरेस्ट लेंगे तो मुझे पढ़ाने में भी इंटरेस्ट आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाएंगे और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, लेकिन 80% जो लोग होते हैं वो लोग नहीं करते हैं। एनीवेज जो भी है, जितने लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।